हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट पाइनएप्पल राइस की बहुत मज़ेदार रेसिपी, जिसे जर्दा पुलाव भी बोलते हैं। ये एक ही पॉट में रेडी हो जाएगा, हमें कोई अलग से चाशनी बनाने की नीड भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरा चैनल जल्द से सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने एक पैन में अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ घी ले लिया ओवर मीडियम हीट। उस पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए और ये डेट्स हैं और थोड़ी क्रैनबेरीज। इसको मैं थोड़ा सॉटे कर लूँगी। फ्लेवर के लिए मैंने एक सिनेमन स्टिक लिया छोटी वाली और 2 कार्डमम्स डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने पाइनएप्पल लिया है, दिस इज अराउंड 1/4 ऑफ फुल पाइनएप्पल। लिटिल बिट सॉल्ट, सॉल्ट ज़रूर डालें स्वीट पुलाव में, बिकॉज सॉल्ट आपके टेस्ट को बहुत एनहांस कर देगा। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ सोक्ड राइस विच इज़ 1/2 कप। इस राइस को मैंने 30 मिनट्स पहले सोक कर लिया था। इसमें ऐड करेंगे हम 2/3 कप्स ऑफ वाटर। याद रखिए, हम इसमें डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं डालेंगे। थोड़ा सेफ्रन विच वॉज सोक्ड इन मिल्क अर्लियर, थोड़ा सा फूड कलर, और मैं इसको ढक के थोड़ा सा राइस को 90% तक कुक कर लूँगी। अभी फुली कुक नहीं, जस्ट 90%, जो कि अराउंड 7-8 मिनट्स में हो जाएगा बिकॉज राइस ऑलरेडी सोक थे। देखिए, अराउंड 8 मिनट्स बाद हमारे राइस कुक होने वाले हैं। जस्ट मतलब 10% अभी नहीं कुक हुए। तो उसमें मैं डाल रही हूँ शुगर ऊपर से। तो शुगर क्या है कि शुगर को हम बिल्कुल इस ग्राइंड करने की या चाशनी बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है। ये चाशनी अपने आप बन जाएगी विद द हीट। बिल्कुल सिम पे रखना है अभी गैस हमें, और याद रखिए पहले भी गैस जब हमें सिम पे ही रखना है जब हम पहले कुक कर रहे हैं। और मैं थोड़ी सी इसमें होल थी तो मैंने इसको आटे से सील कर दिया। बिल्कुल सिम पे रखेंगे अराउंड 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद ये पूरी शुगर हमारी मेल्ट हो जाएगी, पूरी इसकी स्वीटनेस राइस में चली जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी इसमें से, पाइनएप्पल की वो स्वीटनेस एंड सिनेमन की। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें बसंत पंचमी पे, सरस्वती पूजा पे या कोई भी फेस्टिवल पे। आई एम श्योर यू विल लाइक इट।